सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ जन आक्रोश यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है वह मक्का सर में आज शुरू हुई है। मक्का सर के अंदर सभा भी की गई है और कांग्रेस सरकार के द्वारा जो योजनाएं बंद की गई हैं उसका भी खास रूप से इस यात्रा के दौरान जिक्र किया जाता है। और जो बीजेपी के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर लागू की गई थी, शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनको बंद किया गया है, उसमें फेरबदल किया गया, इसके बारे में जनता को बीजेपी पार्टी के द्वारा बताया जा रहा है। और जो आक्रोश जनता के अंदर है उसको भी भाफने का तरीका अपनाकर उसको भी संकलित करने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर समस्याओं को भी इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उसी के आधार पर आने वाले चुनाव में उसको फोकस रखकर और उसी के अनुसार कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो वादे किए गए हैं उसके जो पूरे नहीं किए गए हैं उनको भी इसमें संकलित कर आम जनता के बीच एक लहर बनाने का काम बीजेपी के द्वारा वर्तमान समय में हनुमानगढ़ के अंदर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर आने वाले चुनावों के दौरान इन सारी मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। आइए आपको सुनाते हैं कि आज की सभा के बाद जो मक्का सर में सभा हुई है उसके बाद आगे के क्या क्या कार्यक्रम है, किन किन गांवों में आज यह यात्रा जाएगी, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं बीजेपी के युवा नेता अमित साहू। सुनिए, आज जन आक्रोश यात्रा प्रदेश भाजपा द्वारा जो शुरू की गई है वो हनुमानगढ़ विधानसभा में उसका आज 9वां दिन है और आज हनुमानगढ़ देहात मंडल जंक्शन देहात मंडल में इस यात्रा की शुरुआत मक्कासर गांव से हुई। मक्कासर के बाद में ये झंडावाड़ी पक्का सारना बनाला बत्तीस LLW पक्का बाधवा उत्तम सिंह वाला कुमारा मंडानी होते हुए 20 LLW इस यात्रा का आज रुकेगी। लोगों को इस यात्रा का में लोगों का भरपूर सहयोग है, लोगों का कांग्रेस सरकार के प्रति जो गुस्सा है वो देखते ही बनता है, आक्रोश है। और वास्तव में जो भय और भ्रष्टाचार का शासन प्रदेश में चल रहा है उसके प्रति लोगों का रोष है। जगह जगह पेपर लीक होना, बार बार पेपर लीक होना, कानून व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है प्रदेश में, महिला अत्याचार, दलित उत्पीड़न, यहाँ तक कि अभी हमारे परसों ही एक हनुमानगढ़ धान मंडी में जो गोलीकांड हुआ, निश्चित तौर पे पूरा प्रशासन पूरी सरकार फेल है और इसके प्रति लोगों का जो भारी आक्रोश देखने को मिलता है और इस यात्रा को भरपूर समर्थन मिलता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिले से बाहर सभी नेता गए हुए हैं, दूसरी ओर बीजेपी पार्टी गांवों के अंदर गली गली कूचक कूचे घूमकर वहां पर लोगों को इकट्ठा करने का काम लगातार कर रही है। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।